विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमने से भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशियां छा करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननंद को भी भोजन करने से मना किया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्लास में बाल निकला, दूसरी को और मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह दो अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसके ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आ गई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। हे करवा चौथ माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान की, वैसा सौभाग्य हम सबको देना। चलो कथा संपन्न हुई, थाली घुमा लेते। Right.